Hi guys, it's AK from Black Tech over here, and in this video I'm going to tell you about how durable iPad 6th generation is. So as you can see, I have my iPad 6th generation, which I have dropped very badly from head height. So guys, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूँ आप लोग कितना ड्यूरेबल है iPad 6 जनरेशन. तो मैं जा रहा था बस ऐसा गेम खेल लेते पबजी खेल लेते हुए जा रहा था. जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मैं एक स्लिप हुआ, मेरा पबजी खेलते खेलते पाँव स्लिप हुआ तो मेरे हाथ से iPad छूट गया. तो मेरे हाथ की हाइट से नीचे गिरा उस सीढ़ियों पे पूरा ऑलमोस्ट 10 to 8 स्टेयर्स डाउन नीचे. तो इसकी हालत ये हो गई. तो आप देख सकते हैं इसमें एक छेद आ गया. एज यू कैन सी ओवर हियर आई गॉट ए होल इन दिस. तो आप लोग देख सकते गाइस, होल आ गया इसके अंदर और यह पूरा क्रैक हो गया और यहाँ भी क्रैक हो गया. ये तो पूरा शैटर्ड ही हो गया पूरा. तो अब दूसरों का कंसर्न क्या रहता है बोलते, लोगों का गिरा तो फूट गया होगा, बट नो गाइस, इसके अंदर अब जो जिसको क्या बोलते हैं जो लोग बोलते हैं रेटिना डिस्प्ले है. जो लोग बोलते हैं कि लैमिनेटेड नहीं है डिस्प्ले, दोज गाइज हु यूज टू टेल इट्स नॉट ए लैमिनेटेड डिस्प्ले, सो फॉर देम ये डिस्प्ले भी बहुत यूज़फुल है. अगर ये लैमिनेटेड रहता तो उसको बनाने का खर्चा भी बहुत आता था. तो अब मेरे को एक बेली 800 रुपीज़ में बन जा रहा है, 800 to 1000 रुपीज़ में इसका क्या बोलते ऊपर का जो कांच है, कांच बोलते अपन ग्लास ऊपर का आ जा रहा, क्योंकि ये लैमिनेटेड नहीं है. सो आपको बता दूँ, इतना फूटे बाद भी इन्हें सब सही चल रहा थी, नो टच इश्यूज, बिकॉज इट्स नॉट लैमिनेटेड. तो लैमिनेटेड नहीं रहने की वजह से सब सही चल रहा फूटे बाद भी, और हर चीज़ काम कर रही. पबजी भी खेल सक रहा मैं, एवरीथिंग तो इशूज़ नहीं. कैमरा भी अच्छा वर्क कर रहा और एवरीथिंग फाइन, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा इसके ऊपर. तो ड्यूरेबल, बहुत ड्यूरेबल iPad है गाइस. अगर आप लोग पबजी के वास्ते लेना चाह रहे ये चीज़ तो आप लोग ले सकते हैं. मैं सजेस्ट करता हूँ पबजी के वास्ते. और इतना ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ, छोटी एक वीडियो बना के आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ. इतना गिरे बाद भी, इतना फूटे बाद भी, और यहाँ देख सकते हैं आप होल आ गया. इसमें मेरी उंगली भी डाल सक रहा हूँ, ऐसी उंगली भी डाल सक रहा हूँ इसके अंदर में. इतना होल आ गया बाद भी चल रहा अच्छे से. तो वर्थ है ये iPad अगर आप लोग ले रहे तो. अब आपको 24,000 to 23,000 में आ जा रहा. और क्या बोलते ये iPad की ख़ासियत क्या है बोलते, इसमें 8 फ्यूजन चिप है जो कि अभी भी बहुत पावरफुल है. आपको पबजी हाई और एक्सट्रीम पे लेके जा सकते हैं आप खेलते हुए. पबजी आप स्मूथ और एक्सट्रीम पे लेके जा सकते हैं, और बैलेंस और एक्सट्रीम पे भी लेके जा सकते हैं, और HDR अल्ट्रा पे भी जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है. वही स्नैपड्रैगन 845 नहीं कर सकता. स्नैपड्रैगन 845 भी स्मूथ और एक्सट्रीम तक ही लेके जा सकता, बट बैलेंस और एक्सट्रीम तक नहीं जा सकता 845. बट ये एप्पल का 8 जो फ्यूजन चिप है बहुत पावरफुल चिप है, और iPad में कोई लैग्स वैक्स कुछ भी नहीं है. बहुत ही बेहतरीन iPad है. और आप लोग देख सकते हैं पूरा फुटे हुआ है यहाँ से, फिर भी वर्किंग फाइन. तो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इतनी देखेंगे. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव एंड गो ब्लो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आप ना सब्सक्राइब नहीं करें तो जाके सब्सक्राइब कर लो. एक बार आपको ग्राफिकल सेटिंग बता दूँ मैं, लेट मी फोकस. ओके, एज यू कैन सी स्मूथ एक्सट्रीम HDR, एक लैग हो, मतलब नेट लैग हो रहा मेरा, नेट पिन मई नेट फंसता था रहा. तो नेट सता रहा मेरा, बट आप HDR और अल्ट्रा पे भी जा सकते हैं, स्मूथ एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, बैलेंस एक्सट्रीम पे भी जा सकते हैं. तो इतना गाइस, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये वीडियो में सिर्फ आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन देने वाला था कि इतना फूटे बाद भी अच्छा चल रहा है बोल के. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, पीस.